मैं सृष्टि समय के साथ जितेंद्र बंसल पत्रकार, आपका दोस्त, आपका मित्र, बाबा वीर गुला की मशान के बारे में जानकारी लेकर फिर हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि बाबा को 52 रूपों के नाम से जाना जाता है, तो मैंने कहा था कि हो सकता है बाबा के 52 नाम भी होंगे। जी हाँ, 52 नाम होंगे ही नहीं, 52 नाम हैं, जिसमें से आज उनके दूसरे नाम का खुलासा मैं करके जाऊँगा आपके सामने। और आगे के नामों के लिए, मेरी अगली वीडियो के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल यस कैन आई के चैनल निशान को प्रेस करें, और इसी के साथ साथ हमारी अगली वीडियो के साथ बने रहें। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको आज बताना चाहूँगा, हमारे YouTube के चैनल पर काफ़ी भाई बहन काफ़ी वीडियोस बना रहे हैं और इस वीडियो में कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ दे रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट, उनसे प्रार्थना करूँगा, और यदि उन्हें फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं उन्हें वार्निंग देता हूँ कि वो किसी को गलत कार्य करने की सलाह ना दें, गलत विधि अनुसार किसी भी पूजा या विधि को करने की सलाह ना दें। मैं उन्हें वार्निंग भी देता हूँ और उनसे प्रार्थना भी करता हूँ, पर किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचाने की मेरी कोई ऐसी विचार नहीं है कि मैं किसी को दोषी या करार दूँ या मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ। तो जैसा कि दोस्तों, कुछ लोगों ने ये कह रखा है कहानियों में कि बाबा का इतिहास, बाबा का क्या है, कि बाबा शनि अवतार हैं, बाबा गोरख के धुने के मुताबिक निकले हैं, बाबा शनि अवतार का आगमन होने वाला था। जिन्होंने इन्हें शनि अवतार के साथ जोड़ा है, तो मैं सरासर इस कहानी को साफ साफ कहूँगा कि ये बनाई हुई एक मनगढ़ंत कहानी है। इस कहानी में कोई भी तथ्य किसी भी प्रकार से साबित नहीं होता है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बाबा के छोटे से मंदिर पेड़ के सहारे खड़े हैं, जो कि लोहे का पुल जमुना बाजार नीली छतरी मंदिर के सामने उपस्थित है, जहां मैं आपके साथ यहां रात के समय खड़ा हुआ हूं। ठंडी का मौसम बना हुआ है, परंतु मैं आपके लिए जो जानकारी लेके आया हूं, उस जानकारी में मैं आज आपको ये बताऊँगा। जी हाँ, बाबा के 52 नाम, बाबा के जो 52 नाम हैं, आज मैं उनमें से एक दूसरे नाम का खुलासा करके जाऊँगा। बाबा के नामों में 52 मसान कहे गए हैं, जिन 52 मसानों में मुख्य मसान वीर गुलागी मसान है, जिन्हें वीर गुलागी मसान, वीर गुलागी बाबा भी कहा जाता है, वीर गुलागी मसान भी कहा जाता है। पता नहीं क्षेत्र में, दिल्ली में, दुनिया में इनके कितने ही दिन जिन्हें अनगिनत भगत हैं, सेवादार हैं, जिनकी ये चोलियाँ खुशियों से भर रही हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन्होंने सता रखा है, जो इनके सताए हुए हैं और सताने के कारण इन्हें गलत भी मानते हैं कि शायद ये तंग ही करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि हम गलत कार्य करेंगे तो हमें गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा, और हम सही कार्य करेंगे तो उसका हमें सही फल जरूर मिलेगा। तो उसके साथ साथ मैं आपको आगे अब ये कहता हूँ कि बाबा वीर गुलागी मशान तो पहला है ही है, इनके दूसरे नाम का, जी हाँ, बड़े ध्यान से सुने, इन्हें सूखा मशान, दूसरा रूप इनका सूखा मशान, दोस्तों सूखा मशान, जिसमें सूखे मशान के रूप में मशान सवार होता है, वो अच्छा खासा आदमी सूखता चला जाता है, सूखता चला जाता है, और उसकी किसी बीमारी का पता नहीं लग पाता, जिसके अंदर कोई अपने किसी विधि अनुसार, किसी प्रार्थना अनुसार इनके इलाज, इनके उपाय करने की कोशिश किया करता रहता है। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग नहीं सफल होते हैं, परंतु इसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कि बाबा वीर गुलागी के साथ में माँ कालका की मूर्ति लगी हुई है, कोई इन्हें माँ कालका कहता है, कोई इन्हें माँ काली कहता है, कोई मरघट वाली कहता है, कोई मंदिर वाली कहता है, अलग अलग नाम से, पर काली तो काली है दोस्तों। साथ में ये छोटा सा दरवाज़ा बंद है, जो ये दरवाज़ा बंद है, उस दरवाजे के भीतर माता मसानी की मूर्ति स्थापित है, जो कि अभी फिलहाल ताला बंद होने के कारण मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, परंतु जब भी आगे अगर मैं कभी आता हूँ और यहाँ मंदिर खुला मिलता है, तो मैं इस मूर्ति के दर्शन भी जरूर कराऊँगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर बराबर में एक छोटा सा स्थान इस तरह बनाया हुआ है, जो कि बाबा कमालका सैयद के नाम से स्थापित किया गया है, जो कि बाबा के गुरु कहे गए हैं, वीर बाबा वीर गुलागी मशान के, जिनकी मुख्य दरगाह आगरा स्थित ईदगाह डिपो के पास है, एक मंडी में, और वहाँ पर बाबा वीर गुलागी का मशान बाबा कमालका सैयद के सामने है, जहाँ पर मैं आपको इनके सभी दर्शनों को कराता हुआ अलग अलग घाटों से, अलग अलग मंदिरों से, अंत में मैं आगरा तक आपको लेकर जाऊँगा और आपके साथ बना रहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में कि 52 रूपों में 52 नाम भी होंगे, तो मेरे पास कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट आए, जिस कमेंट के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि 52 रूपों में खेल सकते हैं बाबा, इसलिए उन्हें 52 रूप धर सकते हैं बाबा, इसलिए उन्हें 52 रूपी कहा जाता है। अगर 52 रूपों में ही बाबा खेल सकते हैं, तो क्या मैं आप दोस्तों से पूछना चाहूँगा, क्या 55 रूपों में नहीं खेल सकते, या बाबा कोई 56वें रूप में नहीं खेल सकते, या उन 52 रूपों के अलावा कोई ऐसा रूप नहीं जिनके वो नहीं खेल सकते? अगर ऐसा है तो दोस्तों, यदि आपके पास मेरे लिए कोई प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में दें, यदि आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो आपसे मेरे कमेंट बॉक्स में दें, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा
कि यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपना सुझाव जरूर दें, क्योंकि मेरी मेहनत, मेरी जो भी मेहनत है आपके सुझाव पर ही टिकी है। मेरी मेहनत तुरंत कामयाब होगी यदि आप मुझे अपना सुझाव, अपने प्रश्न या कोई भी कमेंट जो आपकी है वो मुझे देंगे। और यदि आप में से कोई भी भक्तजन यह जानता है और इस जानकारी को देना चाहता है तो वह बिल्कुल ये जानकारी दे कि बाबा के, मैंने जैसे कहा वीर गुलागी मसान, उसके बाद कहा सुखा मसान, इसी के साथ साथ बचे 51 और, उन 51 नामों को बाकी और दें, क्योंकि वो 52 तो इसके अलग रूप है, अलग नाम है, जिसके अलावा ये खुद 53वां उनका राजा है, उनका सरदार है, उनसे सबसे बड़ा मुख्य मसान यही है, बड़ा मसान यही है, और बाकी 52 मसान जो आते हैं वो इससे अलग हैं। और उन 52 मसानों के नाम जो भी भक्तजन जिन्हें दिल्ली शहर में या वर्ल्ड में जिनके नाम से भगत जी लिखा जाता है, जो जिन्हें भगत जी कहा जाता है, उन्हें वो बताए कि कमेंट बॉक्स में दे, मैं उनको आगे लाने की पूरी कोशिश करूंगा, परंतु सत्य जानकारी दे, कोई मनगढ़ंत कहानी ना सुनाए। इसी के साथ साथ बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका दोस्त जितेंद्र बंसल, पत्रकार जितेंद्र बंसल सृष्टि समय मीडिया चैनल के साथ आपका मित्र। मेरी अगली वीडियो के लिए इंतजार करें, बहुत जल्द मैं आप